गाइस वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, शायद ही पूरे यूट्यूब पर आपने इस तरह का प्रोडक्ट कहीं पर भी देखा होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों एक एंटी ग्रेविटी रोवर। बड़ी कमाल की चीज है। पूरे इंडिया में ये जो चीज है सिर्फ मेरे ही पास है। इसके साथ मैं आज एक और चीज की भी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये दोस्तों अपना प्लैनेट बीबी बॉय रिमोट कंट्रोल रोबोट। चलो दोस्तों फटाफट से सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के ऊपर क्लियरली यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो, ये जमीन पे चलते चलते दीवार पे चल सकता है और दीवार पे चलते चलते और भाई उल्टा होकर सीलिंग पर भी लटक कर चल सकता है, जैसे कि यहाँ पे सारी इमेजेस दी हुई है। अगर आप इन दोनों को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर आपको एक बैग दिखाई देगा, बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे दोनों का बायलिंक आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप चाहे तो दोनों को ही खरीद सकते हो और अमेजोन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी जाकर आप चाहे तो इन दोनों को ही खरीद सकते हो। फटाफट से बॉक्स को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है, सारी की सारी चीजें निकाल लेते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। देखने में तो काफी मस्त पैकिंग की है भाई इन लोगों ने। ओके, इसके अंदर दो बॉक्सेस अपने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है यार, इसके अंदर तो कुछ है नहीं, खाली बॉक्स दिया हुआ है। अच्छा, तो बॉक्स के अंदर ये यूजर गाइड अपने को मिल जाती है, इसको किस तरह से चलाना है सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी अपने को। ये चीज अपने को जरूर सी पढ़नी चाहिए यार, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक सा प्रोडक्ट है। ओके, इधर है दोस्तों अपना एंटी ग्रेविटी रोवर। इसके अंदर देखो यार, इस तरफ तीन व्हील्स लगे हुए, इस तरफ तीन व्हील्स है, नीचे की तरफ ड्रोन के अंदर जिस तरह के प्रोपेलर्स होते हैं यार, यहाँ पे देखो इधर एक प्रोपेलर है, इधर एक प्रोपेलर दिया हुआ है। यहाँ पे इसका सारा का सारा चिपसेट है और बैटरी भी इसी के अंदर दी हुई है। और क्या क्या चीजें मिली है, अच्छा तो यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। इतना ज्यादा यूनिक रिमोट कंट्रोलर मैं पहली बार देख रहा हूं यार। देखो क्या ही तगड़ी क्वालिटी है भाई साहब इसकी। ओ माय गॉड, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। अरे भाई एकदम गजब का रिमोट कंट्रोलर लग रहा है। पीछे की तरफ यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर अपने को बहुत सारी बैटरीज डालनी पड़ती है। बैटरीज मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाल के रखी है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यार, यहाँ पे दो बैटरीज है, यहाँ पे दो बैटरीज है। अभी क्या है देख लेते हैं यार, बॉक्स के अंदर तो कुछ लग नहीं रहा। अरे यार कुछ और चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स अपने को मिल जाएंगे, जैसे ड्रोन के अंदर प्रोपेलर्स होते हैं उसी तरह के प्रोपेलर्स दिए हुए। यहाँ पे कुछ स्टिकर है, इसको चार्ज करने के लिए अपने को एक टाइप सी केबल भी मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो यार, इसको अपने को यहां से चार्ज करना पड़ता है। ओके गाइस, अभी अपन अनबॉक्स करने वाले हैं प्लैनेट बीबी बॉय रिमोट कंट्रोल रोबोट को। फटाफट से इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूं यहां से। अगर आपने दोस्तों अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो यार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा देना। ये देखो मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है। यहाँ पर है इसका नीचे वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा देख सकते हो एक बॉल की तरह ही दिखाई देता है। इसको अपने को ऑन करने के बाद ये जो इसका ऊपर वाला हेड है ना, जस्ट यहाँ पर इस तरह से रखेंगे तो ये इस तरह से चिपक जाएगा और इसको अपन रिमोट से भी चला सकते हैं। इसका रिमोट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। रिमोट शायद इस बॉक्स के अंदर ही होगा। यहाँ से इसके रिमोट को भी निकाल लेते हैं यार एक बार। यहाँ पे देख सकते हो एक और बॉक्स है ऑरेंज कलर वाला, शायद इसका रिमोट इसी के अंदर दिया हुआ होगा। हाँ गाइस देख सकते हो, पूरी तरीके से स्टीयरिंग टाइप रिमोट है। यहाँ पर आगे पीछे करने के लिए ये बटन्स यूज होंगे। अपने को दो AA बैटरीज डालनी पड़ती है। इसका सेंसर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बॉल है यहाँ से ये ओपन हो जाता है। ये देखो ये रहा इसका जायरो सेंसर और इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स भी लगे होते हैं। यहाँ से अपने को इस तरह से ऑन करना पड़ता है और फिर इसको इस तरह से लगा देंगे। ये ऑन हो चुका है। अभी इसका ये जो हेड है इसके ऊपर अपन जैसे ही रखते हैं देख सकते हो चिपक चुका है पूरी तरीके से, अभी ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ओके गाइस, आज मैं अपने एंटी ग्रेविटी रोवर के साथ फाइट कराने वाला हूँ ये वाली वॉल क्लाइंबिंग कार की। ये भी जो कार है यार दीवार पर मस्त तरीके से चिपक के चल सकती है और सीलिंग पर भी उल्टा होकर लटक के चल सकती है। आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है, देखते हैं यार दोनों में से अपना एंटी ग्रेविटी रोवर जीतेगा या फिर अपनी एंटी ग्रेविटी वॉल क्लाइंबिंग कार जीतेगी। चलो दोस्तों फटाफट से चलते हैं बाहर, कराएंगे भाई इन दोनों के बीच में पहले फाइट। लेट्स गो। सबसे पहले इसके रिमोट को ऑन कर लेते हैं। रिमोट मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर लाइट भी जगमगाने लगी है। फटाफट से अपने एंटी ग्रेविटी रोवर को भी ऑन कर देते हैं। यहाँ पे पहले इसको मैं थोड़ा सा जमीन पर आपको चला के बता देता हूँ, काफी सही तरीके से चल रहा है यार, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर मेरे को लग नहीं रही है। रिमोट एकदम रेस्पॉन्सिव है इसका। फटाफट से इसको लेके चलते हैं अभी दीवार के पास, देखते हैं यार दीवार पर सही तरीके से चढ़ पाता है नहीं। यहाँ पे इसका एंटी ग्रेविटी मोड ऑन कर दिया मैंने, देख सकते हो इसके प्रॉब्लम घूमने लगे। अभी इसको चढ़ाते हैं दीवार पर। ओ माई गॉड, ये है गाइस एकदम बवाल चीज। देखा ना आप लोगों ने किस तरह से एकदम फटाक से दीवार के ऊपर चढ़ चुका है भाई साहब, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। ये जो चीज है इतनी ज्यादा गजब की है। अभी देखो यार मैं इसको यहां से सीधा अभी सीलिंग पर चढ़ाने वाला हूं। ये देखो, ओ भाई साहब ये एकदम बवाल चीज है यार, देख लिया ना आप लोगों ने क्या ही गजब तरीके से ये छत पर भी उल्टा होकर चलने लगी है।
अपन एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। यहाँ नीचे देखो यार, अपन ने जो फूल रखे हैं इतना ज्यादा हिल रहा है क्योंकि इसके जो प्रोपेलर है ना यार, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली एंटी ग्रेविटी क्रिएट करते हैं। इस वजह से ये एकदम चिपक कर चलता है, कहीं पर भी आप इसको चला लो। इसको अपन यूज करके 360 डिग्री भी घुमा सकते हैं यार, देख सकते हो एकदम मस्त तरीके से 360 डिग्री भी घूम रहा है। तो ऐसे ही थोड़ा सा आगे लेके आ चुके हैं अपन। यहाँ पर देखो यार, अभी इसको अपन नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, किस तरह से नीचे उतर पाता है। यार मैंने बटन भी दबा दिया, ये फिर भी नीचे नहीं आ रहा है, देख सकते हो अभी आ चुका यार नीचे। ठीक है गाइस, अभी टेस्ट करते हैं अपन अपनी वॉल क्लाइंबिंग कार को। ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट वॉल क्लाइंबिंग कार है, को देखेंगे यार ये सीधा जमीन से दीवार पर चढ़ पाती है। यानी यहां पे देख सकते हो ये बिल्कुल भी चढ़ नहीं पा रही है, ये आकर सीधा दीवार को टक्कर मार रही है। यार इसको चलाने के लिए वापस अपने को जमीन से उठाकर दीवार पर चिपकाना होता है। अभी ये दीवार पर चिपक चुकी है, अभी देखो यार ये काफी सही तरीके से चल रही है और इसकी स्पीड भी जो है ना यार अपने एंटी ग्रेविटी रोवर से ज्यादा दी गई है। अभी देखो यार इसको मैं उल्टा करके छत पर चलाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चढ़ नहीं पा रही है, इसके अंदर वो फीचर है नहीं यार। वापस से अपने को इसको छत पर चिपकाना होता है तब जाकर ये चल पाती है। ये भी 360 डिग्री घूम सकती है और काफी मस्त तरीके से उल्टा चिपक कर चल सकती है। ओके गाइस, फाइनली अपन टेस्ट करने वाले हैं अपने बीबी रोबोट को। ये रोबोट बड़ा ही मजेदार है यार, जैसे कि देख सकते हो इसका जो हेड है यार पूरा 360 डिग्री घूम सकता है, जैसे कि एक उल्लू कर सकता है उसी तरह से इसका हेड देखकर पूरा राउंड घूम सकता है। इसको अपने को आगे चलाने के लिए इसका जो हेड है यार जिस तरफ रखेंगे उसी तरफ ये फॉरवर्ड होने लगेगा। अभी देखो यार इसका हेड मैंने घुमा दिया है, अभी अपने तरफ लेके आ रहा हूं, ये मेरे तरफ काफी सही तरीके से आ रहा है। इतनी गजब की चीज मैंने पहली बार देखी यार। इसको मैं ओपन करके भी चला के बता देता हूं। देखो ये है इसका जायरो सेंसर, इसको मैंने रख दिया है जमीन पर, ये इस तरह से चलने लगता है। बॉल में डालने पर तो भाई एकदम गजब ही कर रहा था ये। इतनी ज्यादा इनोवेटिव चीज मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखी है। ओके गाइस, अभी इन दोनों के बीच में अपन दीवार पर तो को वॉर कराने वाले, देख सकते हो दोनों को दीवार पर मैंने चिपका दिया और दोनों काफी स्टेबल तरीके से दीवार पर चिपक चुके हैं। अभी कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं यार यहाँ पे कौन जीतेगा। बहुत ही ज्यादा यूनिक सी फाइट होने वाली है दोनों के बीच में। यहाँ पे देख सकते हो अपना एंटी ग्रेविटी रोवर वॉल क्लाइंबिंग कार को नीचे खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर वॉल क्लाइंबिंग कार ने एक झटका मारकर देखो यार इसको दीवार से ही उतार दिया है। तो यहाँ पे क्लियरली जीत चुकी है अपनी वॉल क्लाइंबिंग कार, सच में यार ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ओके दोस्तों, दोनों को मैंने फ्लोर पे रख दिया, यहाँ पे दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं यार अब कौन जीतेगा। ओहो देख सकते हो यार क्लियरली अपना जो एंटी ग्रेविटी रोवर है जमीन पे रखने के बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यहां पे देख सकते हो यार क्लियरली अपनी कार जो है एंटी ग्रेविटी रोवर से हार चुकी है फ्लोर पर। एंटी ग्रेविटी रोवर के साथ एक और टेस्ट अपन करने वाले हैं, इसको दरवाजे पर चढ़ा के देखते हैं। अरे यार ये बड़ी आसानी से दरवाजे पर भी चढ़ गया, देख सकते हो यार दरवाजे की जो सतह है ना यार बहुत ही ज्यादा चिकनी है, देख सकते हो बड़ी इजी तरीके से दरवाजे पर भी चढ़ चुका है। सेम टेस्ट करेंगे वॉल क्लाइंबिंग कार के साथ, यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया है, काफी सही तरीके से चिपक चुकी है। आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो यार बिल्कुल भी ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, पूरी तरीके से नीचे गिर चुकी है। तो यहाँ पे क्लियरली अपना एंटी ग्रेविटी रोवर जीत चुका है यार। एंटी ग्रेविटी रोवर के अंदर एक दिक्कत भी है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो यार मैं इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये दीवार पर नहीं चढ़ पा रहा है। इसके जो व्हील्स है ना यार इसके ऊपर थोड़ी सी भी धूल मिट्टी लग जाती है तो ये चढ़ नहीं पाता है। अभी इसकी धूल मिट्टी मैंने साफ कर दी है। अभी देखो यार काफी सही तरीके से दीवार को चिपक कर चल रहा है ऊपर की तरफ, देख सकते हो मैं इसको बहुत ज्यादा ऊपर तक लेके जा चुका हूँ। ये नॉर्मल दीवार पर भी चल सकता है और एकदम क्लीन दीवार पर भी चल सकता है। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है दीपुन, अब्दुल राफे, भार्गव, जयवाल, शिवा, मोहित, अरकजीत, हृदय, तन्मय, सम्या। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।